हे गाइस, तो आज आपको लेके चलते हैं हम आम के पेड़ के पास। सो ये देखिए आम, मैंने सोचा कि चलो आज आम का अचार बनाते हैं। और बहुत सारे ये आम हमने कलेक्शन इसकी कर ली थी कलेक्ट एक्चुअली। तो देखो कुछ आम जो हैं वो ब्रेक हो गए थे, और ये मैंने कुछ काट के ड्राई करके एक्चुअली धूप में ड्राई कर लिए थे। तो चलो बनाते हैं इसका अचार। तो आज बनाने वाली हूँ मैं अचार, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखो अभी मैंने मेथी और सौंफ जो है इसको मैं ड्राई कर रही हूँ। हल्का हल्का इसको ड्राई कर देना है, गोल्डन ब्राउन कर देना है, देन इसको ग्राइंड कर देना है। और अब ये देखो चिल्ली जो है, रेड चिल्ली, इसको भी हम ड्राई कर देंगे, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जो हैं वो अचार में बहुत ज़रूरत होती है। बिना इसके अचार में टेस्ट नहीं आता है। तो आम का अचार बन रहा है, इसको भी ड्राई करके अब हम इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। तो और अभी मैं ऑयल डाल रही हूँ, और ऑयल को अच्छे से पका लेना है, सो दैट अब जब आप भी अचार में डालो तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें गंदा फ्लेवर ना आए। तो ये देखो अभी मैंने मिक्स किया हुआ ये मसाले जो हैं ये इसमें डाल दिए हैं। मैंने चिल्ली भी जो है वो भी ग्राइंड कर दी है अच्छे से। अब मैं सभी मसाले जो है वो अचार में डालूँगी, और अचार बहुत अच्छे सी फ्रेगरेंस इसमें आने शुरू हो गई थी। ये चिल्ली मैंने इसमें डाली, और इसके बाद मैं टर्मरिक डालूँगी, सॉल्ट डालूंगी और ऑयल डालूंगी। ये सारी चीज़ें डाल के ना अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, सो दैट आपका अचार में जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छा सा एक टेस्ट इसमें डेवलप हो जाए। और इसके बाद आपकी चॉइस है, इसको आप डायरेक्ट भी खा सकते हो, आई मीन इंस्टेंट भी खा सकते हो, या इसको आपने धूप में इसको ड्राई करना है तो आप कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप भी ये ट्राई करना। ओके, बाय गाइज, टेक केयर।